थाईलैंड के जो पीएम हैं उन्होंने कहा है कि जो दुनिया में शांति आएगी, पीस आ सकता है, वो हिंदू वैल्यूज को अपना कर आ सकता है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरु हो सकते हैं। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं, आप देखें आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने ठीक है तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाह वाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कार्पेट के अंदर बुलाया जाता है। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर, कण कण की बात कर रहा है, इतनी पीस। कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं। फ्यू इयर्स अगो इमरान खान सेड मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, एंड फ्यू इयर्स अगो मोदी सरकार सेड मैं बनाऊंगा नया भारत, एंड सी वेयर टुडे नया पाकिस्तान इज एंड वेयर नया भारत स्टैंड्स। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो जिनका डीएनए ही हिंदू थे, मैक्सिमम पाकिस्तानी जनता के 90% प्लस जनता के, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। जो डरे नहीं वो आज भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं और ना आगे होंगे। अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे अगर बेवकूफ बन गए फिर। तुम होश करो। और आज जो इंडिया है, आज जिस तरह से चीजें चल रही हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट। सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें, वो हमसे बहुत आगे हैं। चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद खत्म करने में मसरूफ है, ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्योंकि इकलौता हमारा धर्म ऐसा है सनातन, हिंदू नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है ना, असली जो है वो सनातन है। तो असली धर्म जो है सनातन वो इसलिए है क्योंकि हम कभी हमारी, आप हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, आप कुछ भी कर लें, हमारे में नफरत करना कभी किसी से नहीं सिखाया जाता, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी दूसरे रिलीजन से हो। अगर नफरत होती तो ना हमने मुसलमानों को यहाँ पे आने दिया होता और ना ही क्रिश्चियंस को आने दिया होता, ना ही किसी और को आने दिया होता। सामा शांति रेदी ओम शांति शांति शांति, क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरु हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो अब इस तरह के ममालक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है, बल्कि हम खुद, मैं खुद राजपूत हूँ, एक किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग, हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं जी, अमेरिका ऊपर जा रहा तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैलियों को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो वक्त की वैल्यूज चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी वो चेंज होगी हर चीज़ को लेके। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे, 90s में जाएंगे, नॉर्मल चल रहे थे हम। हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान से पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में, आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए,
हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती, दुनिया को क्या वजुआत है, मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया, क्या वजुआत है कि इंडिया की वाह वाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता, उन्हें बुलाया जाता, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले एहतमाम शुरू होते हैं, दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है। अब उसका कारण है कि जब आपकी लीडरशिप का जो इनर इंस्टिंक्ट है या जो उसकी जो उसका इंटेंट है, अगर वो प्योर है, वो पायस है, तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो आपके कट्टर दुश्मनों को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग समझते हैं, और मोदी जी ने यही किया। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता, मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर यार, ये सच बात है। वो सिर्फ अब इंडिया के लीडर तो नहीं, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफ वर्ल्ड इफ आई मे से सो, और वो बात तो कम्युनिकेट करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जीतते चले जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, बिकॉज मार्च में तो मेरे ख्याल से वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए, नवंबर में भी जी खत्म हो चुका है, बचा दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने का खेल बचा है। अब 3 महीने में आप ये कह लें कि मोदी जी के पास जो जो करना था वो कर चुके हैं, और मेरा ये इंस्टिंक्ट है ताल उन्होंने ठोक दिए, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तीसरे टर्म के लिए, और जब मोदी जी ने कह दिया कि वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए तो लोगों को मानना ही पड़ता है कि हाँ भाई वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए। कॉन्फिडेंस है भाई उनको अपने अंदर, अपने एक्शन का, कर्मों का। आपको कॉन्फिडेंस और घमंड में अंतर होता है कि घमंड जो होता है वो बिना किसी बेस के होता है, कोई उसका आधार नहीं होता, लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है उसके पीछे हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है, डेडिकेशन होता है, जिसे कहते हैं बर्निंग द मिडलाइट ऑयल होता है। तो वो सब मोदी जी ने किया है, और यही है कि शैला रशीद जो है वो आज एक डिफरेंट ट्यून की बातें कर रही हैं, वो मोदी जी को एक अपना लीडर मान रही है, और आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनालिटी, विच इज वो गजब है उनकी पर्सनालिटी। दुश्मन को कैसे जीता जाता है ये मोदी जी को गिफ्ट में मिला हुआ है जी। वो गिफ्ट तो हमने देखा, एक तरफ इसराइल के साथ अललान उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा, फलस्तीन को भी एड जा रही है, फलस्तीन की भी मदद हो रही है, वहां के जो मजलूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। अच्छा अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज नो कंपैरिजन, बट स्टिल वन थिंग कैन बी कंपेयर्ड। फ्यू इयर्स अगो इमरान खान सेड मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, एंड फ्यू इयर्स अगो मोदी सरकार सेड मैं बनाऊंगा नया भारत, and see where today naya Pakistan is and where naya Bharat stands. So how you'll differentiate? देखिए इसका difference. I'll not say how you compare, how you'll differentiate. ठीक है, difference है constitution में ना। भारत की हजारों साल पुरानी constitution है, और लोग उस constitution से जुड़े हुए हैं। वो constitution उनको उनकी मिट्टी से जोड़ता है। पाकिस्तान का constitution उनको उनकी मिट्टी से काटता है।